नमस्कार, NIOS के योग अभ्यास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम सर्वांगासन करना सीखेंगे, सर्वांगासन की विधि, लाभ और उसके जो भी सावधानियां हमें रखनी है वो सीखेंगे। सर्वांगासन के साथ साथ ही हम हलासन भी सीखेंगे और उसके भी लाभ और सावधानियों को मैं बताऊंगी। और लास्ट में हम इसके काउंटर पोज, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज को सीखेंगे। सर्वांगासन को शोल्डर स्टैंड भी बोलते हैं। तो शुरू करें सर्वांगासन का अभ्यास। सबसे पहले आप पीठ के बल लेटेंगे सर्वांगासन के अभ्यास के लिए। सीधा लेटेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर की ओर 90 डिग्री पे, और फिर इसे धीरे धीरे अपने सिर की ओर, अपने हाथ से अपने बैक को सपोर्ट करेंगे। इस तरह से संभालना है दोनों पैर ऊपर। थोड़ी देर अपने शरीर को इस पोजीशन में सेटल होने दीजिए, संभल ले दीजिए, फिर अपने घुटने को मोड़ें। और एकदम सीधा यहाँ से धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को अपने सिर के ऊपर जमीन में लगाएंगे। और फिर दाहिना पैर ऊपर, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए बायां पैर नीचे। धीरे धीरे बायां पैर भी ऊपर, थोड़ा और ऊपर उठेंगे और दोनों पैरों को जमीन की ओर। हलासन, अंगूठों को अपनी ओर खींचे, कुछ देर रुकने के बाद अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं, अपने हाथों से जमीन पे ऐसे उंगलियों से कप करें। धीरे धीरे केवल बटक नीचे आएगा, नितंब, झटके से नीचे नहीं आना है। और फिर पैर सीधा, धीरे धीरे नीचे। यह था हमारे सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास। थोड़ी देर के लिए शवासन में फिर यहीं से हम ब्रिज पोज करेंगे, सेतु बंधासन। अपने पैरों को मोड़ें, टखनों को यूं पकड़ेंगे दोनों हाथों से, घुटने थोड़ी दूर पे रहेंगे। और धीरे धीरे अपने बटक्स को ऊपर उठाएंगे इस तरह से कि सीना उठ के हमारी ठुड्डी को लग जाए, और बटक्स जितना ऊपर उठ जाएगा उतना उठाएंगे। घुटने को एक दूसरे की ओर ऐसे करके रखेंगे जैसे कोई इमेजिनरी बॉल, जैसे कोई बॉल है जबकि बॉल है नहीं, वैसा जैसे इन दोनों के पैरों के बीच में किसी बॉल को मैं दबा रही हूँ। करते हैं सांस लेते हुए ऊपर, पेट को अंदर खींचें, सांस लेते रहेंगे,
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। सेतु बंद करने के कुछ वेरिएशन है, अलग अलग ढंग से लोग करते हैं। जैसे अगर आप का पैर बहुत मोटा है तो शायद आप अपने टखनों को ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे एंकल को, तो आपका अगर पैर यहीं तक पहुंचा तो आप अपने हथेली को जमीन में लगाएं और इस तरह से अपने बटक को उठा के ऊपर तक लाएं। अब धीरे धीरे नीचे। अगर आपकी पीठ अच्छे से खुली हुई है तो आप अपने बटक को उठाते हुए अपने हाथों को पीठ के पीछे लगा के भी ये आसन कर सकते हैं। और धीरे धीरे नीचे। जब भी हम सर्वांगासन या हलासन करते हैं उसके जस्ट बाद में सेतु बंधासन ब्रिज पोज जरूर करते हैं, और ब्रिज पोज करने के बाद हम घुटनों को ऐसे मोड़ते हैं कमर को आराम देने के लिए, और फिर घुटनों को यहाँ से पकड़ के घुमाना हमारे लोअर बैक को आराम देने के लिए, और दूसरी दिशा में घुमाना 2 से 3 बार। दोनों पैरों को सीधा करेंगे और शवासन। इसके बाद अपने गले को बाएं और दाएं 2-3 बार घुमाएंगे, जिससे कि गले पे अगर कोई तनाव या कुछ भारीपन है वो निकल जाएगा। और शवासन में विश्राम करें। धीरे धीरे अपने पैरों को पास लाएं, हाथों को ऊपर खींचें और दाहिनी ओर करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। इस तरह से हमारे इन्वर्जन सीरीज का 3 आसनों का एक समूह पूरा हुआ। इस तरह से हमारे इन्वर्जन सीरीज का 3 आसनों का समूह पूरा हुआ। इसमें हमने लास्ट में शवासन भी किया जो हम पहले ही सीख चुके हैं। धन्यवाद। नमस्कार। NIOS के योग अभ्यास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम शवासन करना सीखेंगे और उसके साथ ही जानेंगे उसके लाभ और उसकी सावधानी। सबसे पहले आएं करें शवासन। शवासन बहुत ही देखने में बहुत सीधा लगता है, पर इसको करने में थोड़ा ध्यान देना होता है। तो आएं सीखें शवासन। सबसे पहले हम पीठ के बल लेटेंगे, सबसे पहले हम बॉडी पोस्चर्स पे ध्यान देंगे, अपने बॉडी अपने शरीर को किस तरह से इस आसन में रखना है। अपने एड़ी को कंधे के बराबर खोलें, आप आंखें ऐसे खोल के आप एक बार देख लीजिए ये बैलेंस में है। अब अपने पंजों को बगल में गिरने दें, अपने बाहों को 30 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अपने शरीर के साइड से रखेंगे। कंधे जमीन पर, पीछे पीठ के पीछे पूरा मेरुदंड जमीन से लगा हुआ,
थोड़ा ठुड्डी को यूं उठा के नहीं रखना है, थोड़ा नीचे की ओर, जिससे कि आपके सिर का ये भाग पूरा जमीन पे लग जाए। आंखें बंद, ये है हमारा शवासन। इसमें हम अपनी सांस को बहुत ही आराम से अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। धीरे धीरे अपने कंधे को, दोनों कंधों को जमीन पर शिथिल छोड़ देंगे, सिर को भारी छोड़ देंगे। इसी तरह से अपने पीठ के पिछले भाग को, सबसे निचले भाग को, सबको जमीन पर धीरे धीरे छोड़ देंगे। शरीर की किसी मांसपेशी में कोई तनाव नहीं। मुंह बंद, आंखें बंद, नाक से सांस लेंगे। शवासन कोई भी आसन या प्राणायाम करने के बाद में, जैसे ही हमारे हार्ट बीट, हमारे हृदय का जो की गति है वो बढ़ने लगती है, तब हम ये करते हैं। एक बार हमारे हृदय की गति नियंत्रण में आ जाए तब फिर हम दूसरा आसन करते हैं। तो पूरे आसन के सीरीज में आप एक दिन का अगर एक घंटे का अभ्यास कर रहे हैं तो शवासन बीच बीच में हम करते जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर थकता नहीं है और सांस कभी फूलती नहीं। कोई भी आसन हमें बहुत ही आराम से करना होता है, इसलिए बीच बीच में शवासन का प्रयोग करते हैं शरीर और मन को शांत करने के लिए। एक बार 2 मिनट या 1 मिनट जैसी ज़रूरत है वैसा हम जब रेस्ट कर लें शवासन में, तो पैरों को धीरे धीरे पास मिलाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, हाथ को ऊपर करके पूरे शरीर को एक खिंचाव देंगे, तानेंगे। इसे 2 तरह से तान सकते हैं, एक उंगलियों को दूर, अपने पैर की उंगलियों को दूर करते हुए, दूसरा अपने पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचे, अपने सिर की ओर, और एड़ियों को बाहर निकालें और अपने पीठ में जो ये हॉलो है, ये जो जगह है, इसको भरते हुए खींचेंगे। इस तरह से पूरी शरीर को एक तान देने के बाद, तनाव देने के बाद, आप धीरे से दाहिने साइड मुड़ेंगे, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए ऊपर बैठेंगे। ये था हमारा शवासन का अभ्यास। शवासन का अभ्यास वैसे तो सभी कर सकते हैं, पर इसके कितनी देर तक करते हैं, ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी सावधानी ये है कि अगर आपकी बीपी बहुत नीचे है, बहुत कम रहती है, तो आप बीपी मतलब ब्लड प्रेशर वो अगर नीचे है तो आप इसको, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो इसे लंबे समय तक नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप 1 मिनट, आधा मिनट का शवासन करके शरीर को आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे और उसके बाद दूसरा आसन करते हैं। ये एक चीज़ ध्यान देने की है। अगर देखा जाए तो शवासन के लाभ ही लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण लाभों के बारे में जानेंगे। शवासन आपके ध्यान की गहराई की ओर लेकर जाता है। शवासन में जब आपका मन शांत हो जाता है तो उसके बाद जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको ध्यान करने में बहुत ही आसानी होती है।
यह तनाव को घटाता है, यह शरीर में थकावट जितनी भी होती है उसे दूर करता है, मांसपेशियों को आराम देता है, तंत्रिकाओं को आराम देता है। शवासन मनोवैज्ञानिक विकार दूर करने में भी सहायता करता है, यह इसमें अत्यंत लाभकारी आसन है। उच्च रक्तचाप अगर है तो शवासन करना चाहिए, जिससे ये उसे कम करने में सहायता करता है। हृदय के रोगों में भी यह लाभदायक है, क्योंकि यह हृदय को आराम देता है। किसी तरह की बेचैनी चंचलता है तो शवासन करना अच्छा है। चिंता कम करने के लिए भी शवासन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शवासन सभी कर सकते हैं, बस थोड़ी सावधानी ये करनी है, बहुत लंबे समय तक खासकर उन्हें नहीं करना चाहिए जिनका बीपी लो रहता है। धन्यवाद। तो अभी हमने किया सर्वांगासन, उसके बाद हलासन और उसके बाद सेतुबंधासन। अगर आप हलासन कर सकते हैं तो सर्वांगासन के बाद हलासन में जाइए। अगर गले में दर्द है या किसी कारण से आपका पैर जमीन की ओर नहीं जा पा रहा है तो आप सर्वांगासन से सीधा सेतुबंधासन में आ सकते हैं। लेकिन अगर सर्वांगासन या हलासन या दोनों करते हैं तो तीनों ही केस में आपको सेतुबंध आसन से अपने मेरुदंड को उल्टी दिशा में मोड़ना जरूरी है। ये काउंटर पोजेस कहे जाते हैं। तो अभी तक तो हमने सीखा कैसे करना है, इसकी विधि सीख ली। अब हमें ये देखना है कि इनके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम सर्वांग आसन के लाभ और उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है उस पर बात करेंगे, उसे सीखेंगे। सर्वांग आसन के बहुत सारे लाभ हैं। सर्वांगासन शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायता करती है। दिमाग एवं नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता को दूर कर मन को शांति प्रदान करता है। इस आसन को करते समय गले की ओर अधिक रक्त का प्रवाह होता है, जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड के विकार जो हैं, इसकी जो बीमारियाँ हैं वो खत्म होती है। इस आसन के अभ्यास से थायराइड और पैराथायराइड जैसे ग्रंथियों को उचित रूप से पोषक तत्व मिल जाता है, जो रक्त के द्वारा मिल जाता है, और इससे हमें थायराइड की समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। सर्वांगासन में अधिक रक्त मस्तिष्क की ओर जाता है, जो उसका पोषण करता है। सो मस्तिष्क के लिए भी सर्वांगासन अच्छा है। दिल की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शुद्ध रक्त को दिल तक पहुंचाता है, जिससे कि ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा आसन है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जो हमारे शरीर में आजकल के जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके कारण हो जाती हैं, उनमें अस्थमा, डायबिटीज़, लिवर, इन सभी बीमारियों में जो सर्वांगासन है वो बहुत ही लाभदायक होता है। सो इनके मरीजों को सर्वांगासन का अभ्यास करना चाहिए और यह त्वचा को बहुत ही सुंदर बनाता है, त्वचा की झुर्रियों को नहीं पड़ने देता और त्वचा को चमकदार रखता है। जैसे कि हम देखें कि ये पूरा, जब हम सर्वांगासन में होते हैं तो हमारा पूरा पैर ऊपर सीधा होता है, ऐसे में यह पूरा वेट हमारा जो है, हमारे शरीर का भार कंधे और हाथों पर पड़ता है, तो इससे हमारे हाथ और कंधे काफ़ी मजबूत होते हैं और पीठ को ये लचीला भी बनाता है। यह हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों को गिरने से रोकता है, हमारे नेत्रों के लिए अच्छा है, उसकी दृष्टि बढ़ाता है और नेत्र के कुछ प्रॉब्लम्स भी ये दूर करता है। यह हमारे वेट लॉस के लिए, वजन को नियंत्रित करने में भी बहुत ही अच्छा होता है और इससे कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। जिनके पैरों में नीले रंग के नसों का उभार होता है, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं,
उसके उपचार में भी सर्वांगासन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब हम पैर ऊपर करते हैं तो पैरों के सारे रक्त हमारे ऊपरी शरीर की ओर आ जाते हैं, और इस तरह से वेरिकोस वेन पे रक्त का जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, वो कम होता है, जिससे उन्हें आराम मिलता है। पर इन सब के साथ साथ हमें सर्वांगासन में कुछ सावधानियां करनी चाहिए। सभी लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं, तो देखें कौन कौन इसे ना करें या सावधानी से करें। यदि आपको कोई भी जो हम आगे बात करने वाले हैं उनमें से कोई भी बीमारी है, तो आप पहले डॉक्टर से परामर्श करें, या फिर कोई भी स्थिति है बीमारी ना होके, जैसे गर्भावस्था एक स्थिति है, उसमें भी आप पहले डॉक्टर से बात करें। 3 महीने तक शायद आप कर भी पाएंगे, लेकिन उसके बाद गर्भावस्था में या जब पीरियड्स हो रहे हैं उस समय सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के समय कोई भी इन्वर्जन का पोज जिसमें हम पैर को ऊपर करते हैं नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, तो हम सर्वांगासन नहीं करते हैं। ग्लूकोमा जो एक आँखों की बीमारी है, उसकी वो भी अगर हमें है तो हम सर्वांगासन ना करें। उसके अलावा स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम में स्पॉन्डिलाइटिस, जब आपके कंधे में दर्द हो, कंधे के पीछे दर्द हो, तो ये आसन नहीं करते हैं। थायराइड के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमें कोई गंभीर थायराइड की बीमारी है, ऐसे केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर सर्वांग आसन करते समय जमाई आए या छींक आने लगे, तो अपना पैर तुरंत नीचे करना चाहिए, नहीं तो गले में, सीने में या कानों में दर्द हो सकता है। तो इसका ज़रा ध्यान रखना चाहिए जब आप सर्वांग आसन में हैं। और बहुत लोग जो सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो आसानी से शुरुआत में नहीं कर पाते, तो पैर को ऊपर उठाना और पूरा बटक को उठाना इतना आसान नहीं होता, लोगों को हैवी लगता है, भारी लगता है। तो ऐसे में आप कमर के नीचे तकिया लगाकर इस आसन को आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाएगा, तो आप आराम से इसे कर पाएंगे। सर्वांग आसन के बाद हमने जो आसन किया था, उस आसन का नाम था हलासन। तो आए चलें देखें हलासन के लाभ क्या क्या हैं। हलासन एक बहुत ही अच्छा योग अभ्यास है, पर इसके कुछ फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसकी सावधानियां भी कुछ सर्वांग आसन की तरह है। इसके फ़ायदे भी सर्वांग आसन से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसके लाभ भी और इसकी सावधानियां भी सर्वांग आसन के समान ही है। हलासन से हमारे पेट की चर्बी कम होती है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिससे कि हम शरीर के वजन पर काबू पा लेते हैं, तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। ये बालों के लिए ये भी अच्छा व्यायाम है, ये अच्छा आसन है, इससे बाल झड़ना रुक जाता है। और जब हम पैरों को सिर के ऊपर लगाते हैं, तो पूरा खून का बहाव सिर की तरफ होता है, ऐसे में बाल के जड़ों में बहुत तरह के खनिज तत्व खून के साथ साथ आ जाते हैं, जिससे कि बाल स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा यह थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के लिए भी बहुत ही अच्छा योग अभ्यास है, इससे भी थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह अपच को, अगर आपके पेट में पाचन सही से नहीं हो रही है, कब्ज हो रहा है, तो ऐसे में यह काफ़ी लाभकारी है। तो ऐसी स्थिति में आप इस आसन का अभ्यास करें। यह आसन भी मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जब आपके पाइस है, इसमें भी यह आसन बहुत अच्छा काम करता है। और गले के विकारों में, जैसे गले से रिलेटेड, जैसे आवाज़ किसी की फंसी सी होती है, या फिर कोई प्रॉब्लम है गले के ग्लैंड्स वगैरह में, तो उसमें भी उनके रोगों से यह बचाता है। और फिर जिनको सिर दर्द का की शिकायत रहती है, उन लोगों को भी इस योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये था हलासन के लाभ। अब हम देखें हलासन में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए या सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हलासन उनको नहीं करना चाहिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं,
उन्हें इससे गले के पीछे दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को इस आसन को नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप हृदय के प्रॉब्लम वालों को भी नहीं करना चाहिए, जिसको हाई बीपी हो उसे भी नहीं करना चाहिए। कमर का दर्द हो, जिसको चक्कर आ रहा हो, अगर कोई महिला गर्भावस्था में है तो उसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें योगासन करने चाहिए। और अगर आपको ये बीमारियां हैं तो कोशिश करें कि ये हलासन आप ना करें। अगर आप बहुत ही बीमारी का पहला चरण है तो आप किसी अच्छे योग विशेषज्ञ के साथ इस आसन को सीख सकते हैं। हलासन के बाद हमने किया था सेतुबंधासन, तो सेतुबंधासन के भी चलें, उसके भी लाभ जान लें। सेतुबंधासन बहुत ही सम सा आसन है, इससे जल्दी किसी को कोई परेशानी नहीं है, ये सभी तरह के लोग कर सकते हैं। तो आए देखें इसके लाभ क्या क्या हैं। सेतुबंधासन कमर दर्द के लिए तो रामबाण की तरह है। जिन लोगों को कमर दर्द है वो सेतुबंधासन रोज इसका अभ्यास करें। यह थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म के लिए यह बहुत अच्छा है। ये स्ट्रेस को कम करता है, किसी को अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसे ये सेतुबंधासन करना चाहिए। यह पेट से चर्बी को कम करता है, वजन कम करता है, जंघा और घुटनों से भी फैट रिड्यूस करता है, चर्बी कम करता है, पैरों को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। ये पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें जो पाचन से संबंधित एंजाइम निकलते हैं वो इस आसन से अच्छी तरह से सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं। इसमें कब्ज कम करने की भी शक्ति है और जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अम्लीयता जो होती है, जो गले में खट्टी ढकार आती है, उसमें भी यह काफ़ी अच्छा है। इस आसन से बहुत फ़ायदा होता है। यह किडनी के लिए, सेतुबंधासन किडनी के लिए बहुत ही अच्छा है। यह किडनी पे प्रेशर डाल के उस पर अच्छा रक्त प्रवाह करवाता है, इसलिए यह किडनी के लिए भी अच्छा है। और सेतुबंधासन अस्थमा के लोगों के लिए भी, अस्थमैटिक जो लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। पर इसे ध्यान से करना चाहिए, शुरू में सांस लेते समय ध्यान रखना चाहिए, सांस फूलनी नहीं चाहिए अस्थमा के रोगियों को। जो गर्भवती महिला है वह इस आसन को हल्के हल्के कर सकती हैं, इससे उनके कमर में अच्छा लचीलापन रहता है और कमर को आराम मिलता है। तो ये सब थे बहुत सारे लाभ जो हम सेतुबंध आसन से पा सकते हैं। आए चले सेतुबंध से जुड़ी सावधानियों को जानें। ये सेतुबंध आसन, जैसे मैंने कहा कि हाइपोथायरायडिज्म के लिए अच्छा है, पर हाइपरथायरायडिज्म के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसलिए हाइपरथायरायडिज्म के लोगों को, मरीजों को ये नहीं करना चाहिए। ये और ज़्यादा थायराइड को एक्टिव कर देता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी इस आसन को ना करें। या फिर बहुत हल्का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप इसे हल्का हल्का करें, बहुत जोर लगा के या पूर्ण सेतुबंध करने की कोशिश ना करें। गर्दन में दर्द हो तब भी ये आसन नहीं करें। इसके अलावा सेतुबंध आसन घुटने के दर्द होने पे भी नहीं करने चाहिए। कंधों में अगर कोई तकलीफ हो तो भी यह आसन नहीं करें। और उसके अलावा सेतुबंध आसन हर तरह के लोग कर सकते हैं और ये उन आसनों में है जो सारे लोग कर सकते हैं। ये ऐसा आसन है जो जरा भी मुश्किल नहीं है, सो इसे करना चाहिए। पर थोड़ा अगर सावधानी है तो सावधानी को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का 3 आसनों के समूह का एक साथ अभ्यास का जो हमारा सीरीज था, उसको हमने देखा, जिसमें हमने सीखा सर्वांगासन, हलासन और सेतुबंधासन। आशा है आपको इन आसनों को करने की पूरी जानकारी मिली और आप इसे अपने रोज के योग अभ्यास के क्रम में अपनाएंगे।
धन्यवाद।